वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में आगे बढ़ने वाले हैं। सो हमने टाइप वन बेस्ड ऑन नंबर कवर कर चुका है। टाइप टू में हम लोग ने सीखा था स्टूडेंट्स के कैसे हम लोग ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एंड आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप थ्री, दैट इज बेस्ड ऑन एज। अब यहाँ पे आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो पूरे एक्सरसाइजेस में दो क्वेश्चन है और उसमें भी एक क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू पोर्शन रिडक्शन रिमूव हो चुका है, बट फिर भी मैं वो आपको करवा दूंगा। द ओनली रीजन इज यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि आपको कौन से टाइप के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन करता हूँ सेकेंड का थर्ड जो पोर्शन में है। सो एक्सरसाइज 4.1 सेकेंड का थर्ड क्वेश्चन सेज रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be 360. What would be the Rohan's present age? अब यहाँ पे हम लोग वापस जैसे लीनियर इक्वेशन में मैंने टेबुलर फॉर्म बताया है, वैसे ही आप यहाँ पे टेबुलर फॉर्म कर दीजिए। तो पहले तो टेबल में आपको लिखना है यहाँ पे कि कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं। तो पहले है यहाँ पे रोहन, रोहन की मम्मी ले लेते हैं पहले, रोहन्स मदर एंड रोहन, ठीक है। तो उनके जो प्रेजेंट एज है वो हमको पता नहीं है, ठीक है। कंडीशन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहला लाइन दिया हुआ है रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब लास्ट में आपको पता चल रहा है, वर्ड आ रहा है रोहन की मम्मी 26 साल बड़ी है रोहन से। तो लास्ट में वर्ड आ रहा है रोहन, मतलब हम अज्यूम करेंगे लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। तो रोहन्स प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर्स लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स ईयर्स। अब बोला है रोहन की माताजी, मम्मी जी, वो 26 इयर्स ओल्डर है। ऑब्वियसली आपकी मम्मी आपसे बड़ी ही होगी, यस और नो? ऐसा कभी होता नहीं है कि मम्मी आपसे छोटी हो, तो मम्मी हमेशा बड़ी होगी। तो इसकी मम्मी 26 साल बड़ी है, तो रोहन का मदर का एज क्या हो जाएगा? सो रोहन्स मदर मदर्स एज विल बी एक्स प्लस 26, 26 साल बड़ी है तो एक्स प्लस 26। तो ये हमने पहले रोहन और रोहन की मम्मी का प्रेजेंट एज निकाल लिया। अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कंडीशन में कि हम लोग को फ्यूचर में जाना है या पास्ट में जाना है। तो ये लोग ने बोला है आफ्टर 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल बाद, मतलब फ्यूचर में जाना है। तो आफ्टर 3 इयर्स, तो आफ्टर 3 इयर्स वो लोग ने कुछ तो कंडीशन दिया है, उस पर हम गौर नहीं करेंगे। पहले आप देख लो कि फ्यूचर में जाना है कि पास्ट में, तो फ्यूचर में जाना है, कितना जाना है? 3 साल। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमारा टेबल फिलअप कर दो, तो 3 साल के बाद रोहन की एज हो जाएगी एक्स प्लस 3, है ना, और उसकी मम्मी की भी एज 3 साल बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि मम्मी है या मम्मी ने कुछ चूरन खाया हुआ है कि एज बढ़ रही नहीं, ऐसा थोड़ी है रामदेव बाबा का ऐसा कुछ मैजिक है। नो, एज तो बढ़नी है। तो यहाँ पे x प्लस 26, इसकी मम्मी की एज भी 3 बढ़ेगी, तो इसकी मम्मी की एज हो जाएगी x प्लस 29। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया है अकॉर्डिंग टू फ्यूचर, ये कर दिया। अब हम कंडीशन पे जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बोला है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मदर्स एज एंड रोहन्स एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी, मेरे ख्याल से यहाँ पे दिया हुआ 360, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस इट इज 360। सो 360 है, यहाँ पे लिख देंगे। नाउ विल सिंप्लीफाई दिस, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू 3 थ्री एक्स हो जाएगा, 29 इंटू एक्स 29x प्लस 29 इंटू 3 करेंगे तो 3 टू जा 6 8 87 इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एड अप कर देंगे तो 32x हो जाएगा प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ऐसा किया है। अब यहाँ पे आप माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 87 में से आई मीन 360 में से 87 जाएगा, तो पहले तो स्ट्रेट अवे 60 निकाल दोगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा और माइनस करना 27 बचेगा, तो और 300 में से 27 निकाल दो, तो 300 में से अगर हम 27 निकाल देंगे तो मेरे ख्याल से बचेगा 273 इक्वल टू 0। आप चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो
जो भी आंसर है वो राइट आया है, 273 प्लस 87 360 ही होता है, आप करके देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे फैक्टर निकालना जरूरी है, दैट 273 का फैक्टर हमको निकालना है, तो 273 का फैक्टर माइनस करके 32 आना चाहिए, तो लेट अस स्टार्ट, ये 3 से ही जाएगा 91 में से 3 जाएगा तो 27 नहीं आ रहा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब और अगर देखेंगे तो 7 से जा रहा है ये, तो 7 से जा रहा है मतलब ये 7 1 जा ये 13 जा, तो यह आ जाएगा 3 7 जा 21 और यह आ जाएगा 13, तो 13 और 21 नहीं, ये भी नहीं आ रहा है। अब ये 13 तो फैक्टर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 13 प्राइम फैक्टर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, तो आगे तो पॉसिबल नहीं है, तो हमको आगे जोड़ी नहीं मिला तो पीछे की तरफ चलेंगे, तो 13 3 जा करेंगे, 39 माइनस 7 32, तो फैक्टर मिल गया 39 और 7। तो जैसे ही आगे फैक्टर नहीं मिलता है तो पीछे लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर करते जाइए, नहीं मिला तो भी लास्ट नंबर फर्स्ट टू नंबर जैसे करके आप करते पैर अप करते जा सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस फैक्टर था 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू 0, यहाँ पे तो सिर्फ x कॉमन आएगा, x प्लस 39, यहाँ पे माइनस 7 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 39 इक्वल टू 0, सो देयर आर टू फैक्टर्स x प्लस 39, x माइनस 7 इक्वल टू 0, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 39 और यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव एज तो हो नहीं सकती, तो यहाँ पे वैल्यू डिस्कार्ड कर देंगे, तो रोहन का एज आपको मिल जाएगा 7 इयर्स और उनकी माताजी का एज 7 प्लस 26 दैट इज 33 इयर्स। तो आई होप आपको समझा है, फाइनल आंसर आप लिख दोगे, देयरफॉर रोहन्स प्रेजेंट एज इज 7 एंड हिज मदर्स एज विल बी x प्लस 26 दैट इज 7 प्लस 26 33 इयर्स। एक्सरसाइज 4.3 फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगेन इट इज अ वर्ड प्रॉब्लम बट ये एग्जाम में नहीं है, क्यों नहीं है वो सॉल्विंग के बाद पता चलेगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 इयर्स अगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ही है कैंडिडेट, तो टेबल में हमारा आ जाएगा भाई रोहन, रोहन नहीं यहाँ पे रहमान है सॉरी, तो रहमान का प्रेजेंट एज वगैरह कुछ तो दिया है, तो रहमान हमारा एक कैंडिडेट है। अब यहाँ पे हम लोग को प्रेजेंट एज भी लेना है, पा प्रेजेंट एज, और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो इन्होंने बोला है 3 इयर्स अगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो दोनों बाजू जाना है आपको, 3 इयर्स अगो भी जाना है और 5 इयर्स नाउ जाना है, तो 3 इयर्स यहाँ पे माइनस भी करना है और 5 साल आगे भी जाना है, तो कंडीशन में हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स इयर्स, तो वो लिख देंगे एक्स इयर्स है। अब हम लोग को कंडीशन में दिया 3 साल पहले, तो 3 साल पहले रहमान का एज क्या था, एक्स माइनस 3, फिर बोला है 5 साल बाद में, 5 साल बाद में रहमान का एज हो जाएगा एक्स प्लस 5, तो इट इज कंपेरिजन विथ प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज के कंपेरिजन में माइनस 3 जाना है, 3 साल पहले जाना है, 5 साल आगे जाना है, तो आई होप आपको ये समझा है। अब ये लोग ने क्या बोला है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, और सम मतलब इनका सम होगा स्टूडेंट्स, तो ये दोनों एज है उसका सम दिया हुआ है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन दोनों का सम, पर इन दोनों का नॉर्मल सम नहीं है रेसिप्रोकल, तो इसको अल्टी पल्टी कर देंगे, तो 1/ इनका सम इक्वल टू हम लोग को क्या दिया हुआ है, इक्वल टू 1/3। अब आप नोटिस करोगे स्टूडेंट्स, यहां पे जो x का वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में है, यहां पे आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में है, तो वैसे वाले जो क्वेश्चन है इससे हम बोलते हैं रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दे आर नथिंग बट रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स तो पता हो तो लीनियर इक्वेशन में भी हमारा x और y पाताल लोक में था, तो यहां पे भी x पाताल लोक में है, तो इसे हम बोलते हैं रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए यहाँ पे सीबीएसई ने मना कर दिया है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आई होप क्लियर है आपको, नहीं आएंगे तो क्यों सॉल्व करना है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस एजेस पे यही दो सम्स थे, अब हम थोड़े रैंडम वाले सम्स करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट मैं आपको बहुत इजी से बताऊंगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे, इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे।
इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन द डे वॉज रूपीज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना। हमारे इंडिया में देखोगे तो बहुत सारी अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज होती है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो पॉट बनाती है। आपके घर पे मटका होगा, मटका या पॉटरी आर्टिकल्स अलग अलग, आप जिसमें हम लोग जिसमें फ्लावर रखते हैं वो वास जो रहता है उसे भी हम पॉटरी आर्टिकल बोलेंगे। तो वैसा पॉटरी आर्टिकल जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर उन्होंने डिसाइड किया है कि इसका जो कॉस्ट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। तो कॉस्ट ऑफ सिंगल आर्टिकल विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो कॉस्ट पर आर्टिकल जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स बनाए हैं, कितने एक दिन में कितने बनाए हैं। सपोज एक दिन में 10 बनाए हैं तो वो हिसाब से उसका कॉस्ट होगा। एक दिन में अगर हमने 100 बनाए तो वो हिसाब से उसका कॉस्ट होगा, है ना। जैसे कि अगर किसी को पता है कि मेरे को इतना प्रॉफिट घर पे लेके जाना है तो ऑब्वियसली फिर वो हिसाब से वो बेचेगा, ठीक है। और आपको पता है बहुत सारी चीजों में हम लोग प्राइस का फ्लक्चुएशन देखते आते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे भी उन्होंने कॉस्ट जो रहता है पर एक सिंगल आर्टिकल का वो किस पे डिपेंड किया है, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल है वो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। और कंडीशन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पे बहुत जरूरी है, तो हम अज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स, बिकॉज दिस नंबर ऑफ आर्टिकल विल डिसाइड द प्राइस, दिस विल डिसाइड द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। जो पोर्ट्रे बनाया वो पॉट बनाए, सपोज हम लोग मटके का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सपोज एक्स मटके बनाए हैं, ठीक है। अब ये लोग प्राइस कैसे डिसाइड कर रहे हैं, सिंगल एक दिन ये लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे आज, प्राइस क्या करेंगे हम लोग, 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस। तो देखो, तो कॉस्ट होगा कॉस्ट ऑफ एक आर्टिकल, वो आर्टिकल हम लोग मटका पकड़ लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल बोला है कैसे डिसाइड होगा, तो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग द कंडीशन इज दैट ओनली, यस इट इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो कॉस्ट क्या होगा, 3 ज्यादा होगा किससे, ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस। तो 2 टाइम्स कितना आर्टिकल प्रोड्यूस किया है, एक्स आर्टिकल प्रोड्यूस किया है। तो सिंगल डे अलग अलग दिन पे अलग अलग कंडीशन से लोग बेचते हैं, यहां पे ये कंडीशन पे बेच रहे हैं कि जो भी आर्टिकल प्रोड्यूस होगा उसका डबल और उससे 3 रुपया ज्यादा। तो ये आपको आई गेस समझ में आ गया होगा। अब ये लोग ने बोला है वो दिन का धंधा 90 रुपया हुआ है, कितना रुपया हुआ है 90 रुपया। तो टोटल कॉस्ट कितना मिला है 90 रुपया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहां पे सो स्पेशल कंडीशन तो नहीं है, पर हम लोग यहां पे दिमाग लगाएंगे। देखो, अगर आपको आपका कितना इनकम हुआ है वो काउंट करना है तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री है और आपने 15 मटके बनाए हैं और एक मटके का कीमत आपने सपोज 100 रुपए रखा है, तो आपने कितना पैसा जमा किया। सपोज मैंने 15 मटके बनाए हैं, 100 रुपए का एक मटका है, तो कितना पैसा जमा किया हमने, कितने का धंधा हुआ, इनटू करेंगे तब जाके हमको मिलेगा कितना धंधा हुआ। तो वैसे ही कितने का बिजनेस हुआ वो ढूंढना है, तो यहां पे भी वही है, कितने नंबर ऑफ आर्टिकल है एक्स, प्राइस कितना है एक आर्टिकल का 3 + 2x, धंधा कितने का हुआ 90 रुपए का, तो इक्वल टू 90। तो आई होप आपको समझा, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ सिंगल आर्टिकल, ठीक है। तो जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दिया वैसे ही यहां पे किया है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3x + 2x² - 90 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेंगे तो 2x² आगे चले जाएगा +3x - 90 = 0। अब स्टूडेंट्स यहां पे आप देख पा रहे हो कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकते हैं 2 × 90 = 180। अब हमें क्या करना है, 180 का फैक्टर लेना है माइनस करके 3, तो 2 × 90 = 45। चेक कर लेते हैं, 45 और 2 = 4, 45 - 4 = 3 नहीं आता। अब आगे बढ़ेंगे तो 3 से जाएगा ये 15, 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो ये 12 हो गया और ये 15 हो गया, 15 - 12 = 3 आता है, हाँ आता है, फैक्टर मिल गया। तो आप देख सकते हो मैं कैसे इजीली फैक्टर निकालता हूं विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स। तो साथ में ही करते जाएंगे, जोड़ी बनाते जाएंगे तो प्राइम फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो 2x² + 15x
माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू जीरो। अब यहां पे हम लोग कॉमन निकालेंगे, x यहां पे आएगा बचेगा 2x प्लस 15। अब यहां से तो कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6, तो 6 कॉमन निकलेगा तो यहां पे बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल टू जीरो। सो x माइनस 6, यहां पे एक फैक्टर मिला, दूसरा फैक्टर 2x प्लस 15 इक्वल टू जीरो, तो x का आंसर यहां पे आ जाएगा 6, यहां पे आ जाएगा 2x माइनस 15 इक्वल टू माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 2। तो क्या लगता है कॉस्ट माइनस 15 बाय 2, नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस में हो सकते हैं क्या? नहीं। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए थे? तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए 6। अब आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी? तो कॉस्ट पर सिंगल आर्टिकल, ये हमने सिंगल आर्टिकल की कॉस्ट ली है, तो 3 प्लस 2x है, तो 3 प्लस 2 इंटू 6 तो आ गई 15 रुपए। तो वो लोग ने 6 आर्टिकल बेचे 15 रुपए में, तब जाके आपको 15 6 90 रुपीज का धंधा कर पाए। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 5, ये भी रैंडम टाइप पे बेस्ड है, देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, मतलब मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स मिला के इसको 30 मिले हैं। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would be 210. Find her marks in 2 subject. मतलब यहां पे बोला है कि अगर 2 marks maths में ज्यादा होते और 3 marks English में कम होते तो उनका product 210 होता। अब यहां पे पहले तो condition बनाएंगे students, यहां पे हम लोग को बोला है maths और English के marks मिला के 30 है, हमको दोनों के ढूंढने हैं, दोनों के मार्क्स ढूंढने हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ना, तो हम x के अलावा अज्यूम नहीं कर सकते, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट मार्क्स इन मैथ्स बी x। तो मैंने अज्यूम कर लिया x मार्क्स मिले हैं इंग्लिश मैथ्स के अंदर, तो इंग्लिश के लिए कितने होंगे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x मैंने मैथ्स के अज्यूम किए हैं, इंग्लिश के पता नहीं है, तो इंग्लिश के कितने हो गए यहां पे 30 माइनस एक्स। तो यहां पे हम लोग ने इंग्लिश का भी ढूंढ लिया, मैथ्स का भी ढूंढ लिया कि मैथ्स में इसको एक्स होंगे, इंग्लिश में 30 माइनस एक्स होंगे। आई होप आपको समझा कैसे किया मैंने। यहां पे हम लोग ने पहले भी कर चुके थे, मैंने बताया था अगर एक नंबर 10 है, उन दोनों का सम 10 है, तो एक नंबर सपोज 4 है तो दूसरा 6 रहेगा, ये 6 कैसे मिलेगा 10 माइनस 4 करके। तो वैसे यहाँ पे नंबर है 30 दोनों मिला के, अगर मैथ्स में x है तो दूसरे में 30 माइनस एक्स होंगे, तो साइंस में 30 माइनस एक्स होंगे, ये मिल गया। अब यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा सा चेंज है, ये लोग ने बोला है कि मैथ्स का मार्क्स 2 ज्यादा है, अगर तो मार्क्स जो था मैथ्स का पहले कितना था x था, अब सपोज वो टीचर के पास गई उसका 2 मार्क्स बढ़ रहा था, तो टीचर ने 2 मार्क्स उसको बढ़ा के दिया, ठीक है, तो मैथ्स मैथ्स में पहले कितना था x, अब कितना हो गया x प्लस 2, मैथ्स टीचर अच्छी थी तो दे दिया 2 मार्क्स, चलो भाई के ठीक है स्टेप्स के मार्क्स मिल गए। लेकिन इंग्लिश के टीचर के पास गए तो इंग्लिश के टीचर जो थे वो बोलो में उन्होंने बोला कि नहीं ये तो ज्यादा मार्क्स दे दिए मैंने, तो इंग्लिश के मार्क्स उन्होंने कम कर दिए। तो पहले कितने मार्क्स दिए थे 30 माइनस x मार्क्स दिए थे, है ना, आप कितने मार्क्स कम कर दिए उसके बिचारी के 3 मार्क्स कम हो गए, तो 30 माइनस 3 कितना होगा 27 माइनस एक्स हो गए, ठीक है। तो लेटेस्ट मार्क्स के हिसाब से अगर देखने जाएं तो मैथ्स के मार्क्स 2 ज्यादा हो गए और इंग्लिश के मार्क्स 3 कम हो गए, है ना, तो 27 माइनस एक्स इंग्लिश के हो गए, मार्क्स मैथ्स के एक्स प्लस 2 हो गए। अब हम लोग को यहां पर बोला है अगर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया इन दोनों मार्क्स का, तो एक्स प्लस 2 मैथ्स के मार्क्स है और 27 माइनस एक्स इंग्लिश के मार्क्स हैं, इन दोनों का अगर हमने प्रोडक्ट किया तो आंसर आएगा 210, तो आंसर आएगा 210। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो x इंटू 27 27 एक्स हो जाएगा, x इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 27 आ जाएगा 54 एंड यहां पे आ जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 210। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 27x में से 2 जाएगा तो 25x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 210। अब सारे को वहां पे शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर पहले भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 27 वहां पे 25 भेजोगे तो माइनस 25x हो जाएगा, और 210 पहले से था उसमें से 54 माइनस हो जाएगा,
इक्वल टू जीरो माइनस 25x। अब इसमें माइनस करेंगे तो 210 में से 54 जाएगा, तो 54 माइनस करें, पहले 50 माइनस कर दो, तो 210 में से 50 जाएगा तो 160, और 4 माइनस कर दो तो 156 बचेगा, 156 इज इक्वल टू जीरो। चलो 156 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 1 into 56 तो 2 से जाएगा, 2 7 14 8 78, तो वापस 2 से जाएगा तो 2 3 6 9 चेक करेंगे 39 and 4। फिर हम बात करेंगे 3 से जाएगा ये तो 13 आ जाएगा, 13 3 2 6 2 12 13 और 12 25 मिल गया। तो फैक्टर्स आ गए 13 and 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x - 12x + 156 इज इक्वल टू जीरो। कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो x कॉमन x माइनस 13 माइनस 12 कॉमन x माइनस 13 इक्वल टू जीरो, तो x माइनस 13 और x माइनस 12 इक्वल टू जीरो, दो फैक्टर मिल जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 12। अब स्टूडेंट्स आप देखोगे तो दोनों भी पॉजिटिव है, तो हमको दोनों भी आंसर कंसीडर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं फाइनल आंसर कैसे लिखता हूं वो देखो, व्हेन x इज इक्वल टू 13, तो मैथ्स में इसको मिल जाएंगे 13, इंग्लिश में इसको मिल जाएंगे 30 - 13 दैट इज इक्वल टू 17। ठीक है, तो ये आगे इंग्लिश के मार्क्स, और जब व्हेन x इज इक्वल टू 12 तो मैथ्स में आ जाएंगे 12, तो इंग्लिश में आ जाएंगे 30 - 12 दैट इज 18। तो यहां पे दो आंसर आपको बारी बारी लिखना है, बिकॉज बोथ द आंसर आर पॉजिटिव आंसर। तो जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा हो जहां पे पॉजिटिव आंसर दोनों भी आता हो, तो यू हैव टू कंसिडर बोथ द कंडीशन एंड देन सब्स्टिट्यूट एंड फाइंड द आंसर। तो आई होप आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन क्लियर है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है और चैप्टर भी खत्म होता है, जितना भी पोर्शन के हिसाब से था वो मैंने करवा चुका, वो करवा दिया है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप ये वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, तो इसमें सब्सक्राइब का बटन भी है वो भी दबा दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग।